खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से है, जहां अनलॉक होते ही बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़ और अतिक्रमण के कारण बदहाल हो रहे यातायात के हालातों को सुधारने के लिए अब अतिक्रमण को रोकने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। यातायात प्रभारी ने चौक बाजार से लेकर कोतवाली तक दोनों तरफ सड़क किनारे दुकानों से सटा कर एक रेड लाइन मार्किंग की है। इस लाल रेखा के भीतर रहकर ही दुकानदारों को अपनी सामग्री बेचनी पड़ेगी। लाल रेखा के बाहर किए गए अतिक्रमण पर पहली बार जुर्माना और दूसरी बार जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, बाजार की सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोगों की कल बैठक भी हुई, क्या निर्णय लिया गया? कल जो नगर पालिका में व्यापारी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें SDM साहब भी थे, CSP साहब भी थे, ट्रैफिक प्रभारी थे और CMO साहब। उसमें तय हुआ था कि रोडों में एक नाली के बाहर एक रेड लाइन डाल दी जाएगी, उसके बाहर कोई अपना सामान ना रखे दुकानदार। यदि उसके बाहर कोई सामान रखता है तो उसको वो जब्त कर ले जाएंगे और चालानी कार्रवाई करेंगे, जिसमें सबने सहमति दी थी कि कोई भी एक उस लाइन के बाहर सामान ना रखेगा। पार्किंग बनाने की भी स्वीकृति मिली थी, क्योंकि व्यापारियों के पास अपने भी वाहन होते हैं, आजकल जो नौकर होते हैं दुकानों में वो भी वाहन से आते हैं, तो जब तक उसके लिए व्यवस्था नहीं बन पाएगी तो उनसे ये बात हुई थी कि वाहन अपना जो दुकानदार है वो अपना वाहन रख सकता है, यदि पार्किंग बन जाएगी तो उस पार्किंग में फिर अपने वाहन सब लोग रखें। तो इस तरह से 3 पार्किंग बनाने की बात हुई थी शहर चौक बाजार के पास, और मेन इस पर बात हुई थी कि कोई अतिक्रमण वाहन न करे। उसी संबंध में आज लाइन खींचने का काम ट्रैफिक प्रभारी के उसमें चालू हुआ है, और बजरिया में उनने सबको भी समझाइश दे रहे हैं कि आप अपना सामान अंदर रखेंगे, और व्यापारी भी उसमें शामिल है, सब लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएँ बने, कोई उससे बाहर नहीं। बात है जी भाई, सब कितनी अच्छी व्यवस्था रहेगी यदि ऐसी बन जाएगी? कल शाम को 7 बजे नगरपालिका के सभा कक्ष में सभी व्यापारिक संगठनों की एक बैठक हुई थी, इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, SDM साहब, CSP साहब और यातायात प्रभारी और हम सभी अध्यक्ष लोग वहां शामिल हुए थे। हम लोग भी लगातार चिंतित हैं कि शहर की व्यवस्था अच्छी बननी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर की अगर उसकी अच्छी पहचान है तो वो शहर साफ सुथरा होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हम लोगों ने ये कल सबके साथ बैठक करके सभी अध्यक्षों ने ये सहमति दी कि हमारा शहर सुंदर बने, और इसके लिए जो प्रशासन कदम उठा रहा है हम उनको बधाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर एक लाल पट्टी हम लगाएंगे, उसके बाहर कोई भी दुकानदार सामान नहीं लगाएगा, इससे हम सब लोग सहमत हैं और धीरे धीरे ये अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं महेंद्र गुप्ता, किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष। कल नगर पालिका सभा कक्ष में जो मीटिंग हुई थी उसमें SDM साहब भी थे, थाना प्रभारी थे, यातायात प्रभारी थे, CMO साहब भी थे। जो शहर में अव्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण व्यवस्था, उसके संदर्भ में चर्चा की थी। तो ये निर्णय हुआ था कि एक रेड लाइन पूरे शहर में दुकान के बाहर खींच देंगे, उसके बाहर जो भी सामान रखता है वो प्रशासन अपने उसमें उठा के ले जाएगा, जुर्माना भी करेगा, अगर एक बार दो बार दुकानदार नहीं मानेंगे तो वो सामान भी जब्त कर दिया। उसमें सभी लोगों ने सहमति दी थी, डालडे माते ले जी भी थे, जनरल स्टोर से बजरिया से प्रभात अग्रवाल जी भी थे, लालू भैया भी थे, सभी लोग थे, सभी संगठनों के अध्यक्ष।